हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 15 जुलाई 2021 और आज के हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो तो करेंगे ही, साथ के साथ 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट फील हो और ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इक्वली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र पहला, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट होता है भारत में या फिर वर्ल्ड में, तो आपको उसको याद रखना है क्योंकि वो एग्जाम रिलेवेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे आपको याद रखना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? आपसे अगर पूछा जाए कि वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वी एस्टैब्लिश्ड, तो आपको बताना है कि पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये हो गया यहां से जो बातें हो सकती थी। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, यशपाल शर्मा, ठीक है, यशपाल शर्मा जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया, वो कौन थे? तो यशपाल शर्मा एक बहुत जाने माने क्रिकेटर थे और उनका निधन अभी हो गया है, ठीक है। 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता गया था, क्रिकेट विश्व कप जो जीता गया था, किसके द्वारा? इंडियन टीम के द्वारा। तो उस इंडियन टीम के ये सदस्य रह चुके हैं, कौन? यशपाल शर्मा जी, और ये क्रिकेटर थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यशपाल शर्मा जी जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया वो कौन थे, तो आपको बताना है क्रिकेटर है ना। इस तरह से आपसे अगर यहाँ पर पूछा जाए क्या वो रिपोर्टर थे, नहीं, क्या वो क्रिकेटर थे, WWE रेसलर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, तो आपको बताना है कि वो एक क्रिकेटर थे और क्रिकेटर था जिनका निधन हो गया। तो निधन ओबिचुअरी वाले सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक WWE रेसलर, ठीक है, WWE रेसलर हैं जिनका, इनका भी एक निधन हुआ है कि WWE रेसलर थे जिनका नाम था मिस्टर वंडरफुल पॉल, ठीक है, याद रखना है मिस्टर वंडरफुल पॉल एक रेसलर है, WWE रेसलर है और उनका भी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसे भी याद रख लेना है जिससे आपको निधन वाले सेक्शन में कुछ जानकारी हासिल हो जाए। देखिए अगला है द ग्रेट बिग लायन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट बिग लायन बुक इज रिटेन बाय, तो आपको बताना है क्रिस नाइट, ठीक है, क्रिसिस नाइट जो है इनके द्वारा लिखा गया द ग्रेट बिग लायन। आप यहां पर देख पा रहे होंगे द ग्रेट बिग लायन क्रिसिस नाइट, तो इनकी पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन। वहीं पर अगर बात करें स्मृति जुबिन ईरानी, ये इनको अभी अभी मंत्रालय दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिनका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ, एक बार देख लीजिए, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये स्मृति जुबिन ईरानी ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन के साथ खेलना है ना, एक एक ऑप्शन के साथ खेलना है जिससे कि अगर आप ऑप्शन के साथ खेलेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी जाकर वहां कवर हो जाएंगे। तो स्मृति जुबिन ईरानी, अभी बताया मैंने कि इसको मिला है कौन सा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इनके द्वारा लिखी गई ये बुक क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस। वहीं देखिए यहां पर विवेक देबरॉय है, ठीक है, विवेक देबरॉय, तो इनकी एक बुक है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया किसकी बुक है, विवेक देबरॉय की, विवेक देबरॉय की एक बुक है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। वहीं शाहिद अफरीदी की एक बुक है जिसका नाम है गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी के बुक का नाम है। तो ये यहां से आपको बुक के कॉन्टेक्स्ट में इतना बात याद रखनी है। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी यानी कि होस्ट कौन करेगा? आप यहां पर देखें हु विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, तो ये करेगा इंडिया, ठीक है, इंडिया करेगा 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी। इससे पहले इंडिया 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है और अब जाकर 2026 में ये फिर से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये जो 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, कहां पर? हैदराबाद में, तेलंगाना में पड़ता है ये, हैदराबाद में हुआ था, उस समय ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अभी ये
अभी पड़ता है तेलंगाना में, क्योंकि 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी कितने राज्य हैं ये आपको पता होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ आगामी ओलंपिक्स खेल हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि देखिए टोक्यो, जिसमें अभी 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, है ना, 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि 2021 वाला ओलंपिक कहाँ होने वाला हो रहा है तो आपको बताना है टोक्यो, लेकिन ये 2020 में होने वाला था बट कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी 2021 में हो रहा है। वहीं पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस में है, यहाँ 2024 में ओलंपिक्स होंगे और लॉस एंजलिस में 2028 में होंगे। तो आपको याद रखना है 2028 में लॉस एंजलिस में, 2024 में पेरिस में, अभी हो रहा है टोक्यो में, और इंडिया जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन कराता है। तो आपको याद रखना है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, BWF। तो ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका जो अभी हेड है, ठीक है, इसके नाम है पॉल एरिक हेयर लार्सन। वहीं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, BWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ पर, कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के पहले जिम्नास्टिक कौन बने हैं, सॉरी ओलंपिक में भारत के पहले जिम्नास्टिक जज, तो ये जज की भूमिका निभाएंगे ओलंपिक में। इस बार जो 23 जुलाई से टोक्यो में हो रहा है इसमें जिम्नास्टिक, जो पुरुष वाला जिम्नास्टिक खेल होगा उसमें जज बनेंगे और वो भारत के पहले होंगे। तो ये मैंने पहले भी बताया था भारत के पहले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है दीपक काबरा, ठीक है, ये दीपक काबरा जी हैं और ये भारत के ओर से जिम्नास्टिक जज बनेंगे ओलंपिक में इस बार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि जब WC बनर्जी है, तो आपको ये स्टैटिक जीके के कॉन्टेस्ट में इतने बातों को याद रखना है कि WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष थे। मोहम्मद अजरुद्दीन फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यूट किया था और लगातार 3 मैचों में 3 शतक जड़ने वाले फर्स्ट क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन। वहीं अमृत सेन जो है फर्स्ट इंडियन है जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, तो यहां से ये बात हो गया। भारतीय सेना को पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान P-8I मिला है, वो कितने नंबर का है, देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय नौसेना, आप यहां पर लिखेंगे इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी को ये पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान, ये जो युद्धक विमान है जो कि बोइंग एक एरोस्पेस एयरक्राफ्ट कंपनी है अमेरिका की, और इसने भारत को पहले ही 8 बोइंग P-8I युद्धक विमान जो है इसको भारत को दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 नेवी को ये P-8I विमान है जिसको कि किसने बनाया है, अमेरिका में स्थित एयरोस्पेस कंपनी है बोइंग। तो 2009 में एक क्या बोलते हैं कि अनुबंध हुआ था, 2009 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बोइंग कंपनी और इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 8 P-8I विमानों के लिए, ठीक है, 8 P-8I विमानों के लिए। और अभी 2016 में फिर से 4 विमानों का एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कि 2020 में जो 8 पहले मिल चुका है और नवंबर 2020 में नवा P-8I विमान भारतीय नौसेना को मिला और अभी 2021 में 10वां मिल रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो भारतीय सेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I मिला है ये 10वें नंबर का, इससे पहले 9 मिल चुका है, तो आपको बताना है 10वें नंबर का। और ये P-8I विमान होता क्या है, तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है, चलिए एक बार इंक को इरेज कर देते हैं उसके बाद मैं बताता हूं कि पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान ये जो होता है जो समुद्र में, ठीक है, समुद्र में लंबा दूरी तय करता है और एक तरह से क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि समुद्र में कौन से देश, समुद्र में गतिविधि जो होता है अलग अलग देशों के द्वारा, या फिर एक तरह से कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, एक तरह से कह सकते हैं ये पेट्रोलिंग करता है, ठीक है, पेट्रोलिंग करता है समुद्र में लंबी दूरी पर। और ये एक युद्धक विमान भी है, युद्ध भी, वॉरक्राफ्ट भी है। तो इस तरह से ये P-8I विमान, और ये दिया गया किसके द्वारा, तो ये दिया गया है बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये अमेरिका में एक विमान है P-8A Poseidon, ठीक है, P-8A Poseidon, उसी का ये एक रूप है, अमेरिका की विमान है युद्धक रोधी विमान P-8A Poseidon, उसी का ये एक रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी विदेश मंत्रालय किसे मिला है? अभी विदेश मंत्रालय मिला है एस जयशंकर को। मैंने न्यू कैबिनेट मिनिस्टर की एक पूरी लिस्ट ट्रिक के माध्यम से चैनल पर अपलोड किया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको न्यू कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी लिस्ट आपको याद हो जाए, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जिंदगी में आप कभी उसे नहीं भूलेंगे। तो एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय मिला है, तो आपको बताना है कि जो ये विदेश मंत्री है एस जयशंकर, महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किस देश में किया है? तो जॉर्जिया। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर जॉर्जिया के 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जॉर्जिया के 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पर तबलिसी पार्क में, ठीक है, तबलिसी पार्क में महात्मा गांधी के मूर्ति का ये अनावरण किया है। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी? तो आपको बताना है जॉर्जिया, ठीक है, आपको बताना है जॉर्जिया, ठीक है। और ये जो एस जयशंकर है ये यहाँ पर गए हैं किस लिए गए हैं? अगर यहाँ पर गए हैं तो देखिए 17वीं शताब्दी के आसपास, 17th century के आसपास, वहाँ यहाँ पर जो एक जॉर्जिया की महारानी थी सेंट क्वीन केटेवा, आपको याद रखना है सेंट क्वीन केटेवा, ठीक है, ये जॉर्जिया की महारानी थी 17वीं शताब्दी के आसपास में, और इनका जो अवशेष है, इनके कुछ अवशेष मिले हैं ओल्ड गोवा में, ठीक है, इनके कुछ अवशेष मिले हैं 2005 में इनका कुछ अवशेष मिला है ओल्ड गोवा में, और इसी अवशेष को जॉर्जिया में ये सुपुर्द करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें देने के लिए जा रहे हैं 2 दिनों की यात्रा पर। बहुत से इंपॉर्टेंट बातों पर वहाँ चर्चा भी होगा, बहुत से समझौते भी होंगे आपस में, जो मजबूती संबंधों के बीच में कैसे मजबूती लाया जाए इस पर भी चर्चा होगा। तो इसके बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किए हैं। तो जॉर्जिया के बारे में बात कर लेते हैं कि जॉर्जिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जॉर्जिया से रिलेटेड तो जॉर्जिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी कौन है, इराकली, आपको याद बस इतना ही रखना है इराकली, आपको एक कीवर्ड को पकड़ के रखना है और उसी को याद रखना है इराकली। और अभी जो जॉर्जिया की कैपिटल है, जॉर्जिया का कैपिटल है तबलिसी, आपको याद रखना है तबलिसी, और यहाँ का जो करेंसी चलता है वो है लारी, ठीक है, जॉर्जिया का क्या करेंसी है लारी, वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह को। अभी 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट में बहुत बड़ी फेरबदल देखने को मिली है, जिसमें कि 43 मंत्रियों के द्वारा शपथ लिया गया था, जिसमें कि अमित शाह को कौन कौन सा मंत्रालय मिला था? अमित शाह को मिला था क्या बोलते हैं, गृह मंत्रालय मिला है, और एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। किसका? सहकारिता मंत्रालय। और ये दोनों मंत्रालय किनको मिला है? दोनों मंत्रालय मिला है अमित शाह जी को। और गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है अभी, ठीक है। और ये जो शोध उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है, इससे क्या होगा? इससे होगा जो हमारे देश के जो युवा हैं वो नशीली पदार्थों के, ड्रग्स के, या फिर किसी भी गलत तरीके से आदत, नशीली दवाओं का सेवन करने लगे हैं, उनके लत को छुड़ाने में भी ये जो उत्कृष्टता केंद्र है, ये जो शोध से रिलेटेड उत्कृष्टता केंद्र है, ये मदद करेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अमित शाह जी के द्वारा कराया गया है। तो अभी कुछ फैक्ट जो है ऑप्शन में दिए गए हैं उससे भी रिलेटेड हम लोग देखते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस के साथ खेलना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी मैं कैबिनेट में इनको जगह मिला है, कौन सा कैबिनेट मिनिस्ट्री इन्हें दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे, ठीक है, अभी ये शिक्षा मंत्री बन गए। नारायण राणे को दिया गया है MSME, ठीक है, स्मॉल मीडियम और क्या बोलते हैं जो इंटरप्राइजेज होता है उसके मिनिस्ट्री इनको दिया गया है, नारायण राणे को। ये पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी पुरुषोत्तम रूपाला, इनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है? तो इनको दिया गया है पशुपालन मत्स्य पालन मिनिस्ट्री इनको दिया गया है, ठीक है, पशुपालन मत्स्य पालन मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। तो इससे आपको यहाँ से इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं किसी भी मंथ से रिलेटेड, उसकी थीम होती है, वो एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बनता ही बनता है। इसीलिए आपको बिना
इंपॉर्टेंट डेज के कि ये किसी भी एग्जाम में नहीं बैठना है। तो देखिए 15 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो आपको बताना है 15 जुलाई। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डे जुलाई के हुए मंथ के, एक बार आपको कल के क्लास में रिवीजन करा देंगे, तो आप वहां से देखकर एक बार रिवीजन कर ले। और हाँ, आपको जाते जाते आपको एक बात बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां PDF का लिंक डाल दिया जाता है, आप वहां से PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भीम UPI जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐप है, उसको भारत सरकार ने किस देश में स्टार्ट किया है, उसको भारत सरकार ने किस देश में इस सेवा को शुरुआत किया है, तो आपको बताना है भूटान में। ठीक है, भूटान में भीम UPI सेवा का शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया। और भारत सरकार की ओर से किसने रिप्रेजेंट किया, तो अभी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, निर्मला सीतारमन जो इनको मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट मंत्री जो मिला है, तो ये जो है भूटान में भीम UPI सेवा का शुरुआत किया इन्होंने, इनके द्वारा ही। अच्छा, ये जो किया गया इससे क्या होगा, तो हमारे देशों के बीच में, भूटान और भारत के बीच के जो संबंध होंगे इस इनिशिएटिव से क्या होगा, मजबूत होगा। और ये जो एक नीति है, हमारे देश की एक नीति है, पड़ोसी पहले, ठीक है, नेवर फर्स्ट, आपको याद रखना है, पड़ोसी पहले एक नीति है, तो इस भारत देश की एक नीति है नेवर फर्स्ट, उस नीति के तहत ये जो सेवा शुरू किया गया है भीम UPI का, ठीक है, भूटान में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे भारत का पहला हो, विश्व में पहला हो, वो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन होता है, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होता है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो देश का पहला अनाज ATM का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गुरुग्राम में। कहां पर, गुरुग्राम में। तो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो देश का पहला अनाज ATM है, इसकी शुरुआत गुरुग्राम में करी जाएगी। और गुरुग्राम के कहां पर, फर्रुखानगर में। अगर आपको और ज्यादा डीप में पूछा जाए तो गुरुग्राम के फर्रुखानगर में ये अनाज ATM की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा कि लोगों को भीड़ नहीं लगानी होगी, आप अपने आधार कार्ड को लेकर जाएं, अनाज ATM में एक टच स्क्रीन है, वहां पर आधार कार्ड या राशन कार्ड एक ATM की तरह उस पर क्या करें, इंसर्ट कर दे, वो आपके डिटेल्स को क्या करेगा, जब आपके डिटेल को पूरा वो करे स्कैन कर लेगा, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको जितना फूड ग्रेन्स मिलना है वो आपको मिल जाएगा। इसमें धान, ये चावल मिलेंगे, गेहूँ मिलेगा, बाजरा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, चावल, गेहूँ, बाजरा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, एक बार में ये 60 से 70 किलो अनाज निकाल सकता है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स भी आप देख लें, ठीक है, जो कि 7 जुलाई से 15 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और यहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार रिवीजन देख भी लीजिएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 12.40 करोड़ फॉर फिस्कल ईयर 2020-21 में, मतलब जो अभी जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में गोवा में, इसके लिए गोवा में जो एक मिशन है जल जीवन मिशन, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना जो राशि है प्रदान की गई, तो आपको बताना है 12.40 करोड़, ठीक है, 12.40 करोड़ दिया गया, ठीक है। वहीं पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हर एक ग्रामीण घरों में टैप कनेक्शन, यानी कि नल जो है जल के लिए, जो हर एक ग्रामीण घरों में क्या किया जाएगा, नल लगाया जाएगा और 2022 तक। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई, तो आपको बताना है 326 करोड़ रुपये, कितने, 326 करोड़ रुपये। आंध्र प्रदेश में फार्मर्स डे के उपलक्ष्य पर, फार्मर्स डे में जो YSR रेड्डी में फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया गया, YSR रेड्डी, ठीक है, YSR रेड्डी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष पर फार्मर्स डे मनाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि उड़ीसा जो है उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन गया किसको यूज करने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, जो सरकार के जो जमीन है, जो सरकारी जमीन होता है, उसके बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए कि वहां पर कौन लोग रह रहे हैं, कितना लोग उसका अधिग्रहण कर चुके हैं, उसको किस तरह से, तो हर कुछ उसका जानकारी लेने के लिए उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन गया है स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाला। अगला देखते हैं कि इंडिया है वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल PPE किट। अभी क्या है, कोविड 19 के कारण पीपीई किट का डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है,
तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे पहला देश बन गया है रीयूजेबल पीपीई किट बनाने वाला, कौन देश बन गया है? इंडिया बन गया। बहुत बड़ी बात है, इसको आप रिलेवेंट क्वेश्चन मानकर चले और वो बन गया है। राजस्थान ने एक कैंपेन लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर, किस लिए? अगर आपसे पूछा जाए कि प्योर फॉर श्योर जो है किस लिए लॉन्च किया है, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क की, दूध की शुद्धता के लिए, पहचान के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है प्योर फॉर श्योर। इंडिया जो है 8वां रैंक, इंडिया का कैंसर प्रिपेयर्डनेस में, मतलब कैंसर में आपका कितना क्या बोलते हैं, आप कितने प्रिपेयर हैं, कितने तैयार हैं कैंसर को रोकथाम के लिए, कैंसर के लिए, तो इंडिया का जो 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का 8वां स्थान आया है, और ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप किया है, ऑस्ट्रेलिया टॉप किया है। अगला है मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 7वां धनी व्यक्ति बन गए, मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 7वां धनी व्यक्ति बन गए। चलिए ये हो गया। अब जो है इंडिया में जो 2018 का जो बाघ जनगणना हुआ था, इसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में जगह मिला है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जगह मिला है। अगला देखते हैं कि जो एक पहला, इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया जो ई लोक अदालत कंडक्ट करवाया, यानी कि ऑनलाइन लोक अदालत कंडक्ट कराने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बन गया, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़। तो ये रहा आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर हुए। आप यहाँ से वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे कल के क्लास में, यानी कि 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप हमारे वीडियो, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज आप यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।